ब्रेक से लेके प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। देखो अभी चार उंगली इसमें मेरी चली जा रही, इतना ज्यादा इसमें गैप है, अभी गैप है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका जो गैप है पूरी तरीके से गैप खत्म हो जाएगा। तो अभी आप लोग देखो इसमें जो गैप था वो कहाँ गया, ये प्रॉब्लम है बाइक में, ब्रेक से लेके प्रॉब्लम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इस बाइक में ब्रेक से लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम। लोगों को सबसे पहले क्या करता हूँ, चेक करा देता हूँ। देखो अभी ब्रेक का जो लेवल है, मतलब जो गैप है वो बरोबर है, जितना रहना चाहिए उतना गैप है इसमें, है ना, बिल्कुल राइट गैप है। चार उंगली मेरी चली जा रही है इसमें, इतना ज़्यादा गैप है, तो गैप अभी सही है। अब मैं जैसे ही से मेन स्टैंड से उतारूंगा इसका गैप कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे दो शायद एकदम ही गैप कम हो जाए। देखो मैं मेन स्टैंड से उतार के दिखाता हूँ आप लोगों को बाइक को, ये देखो यहाँ पे मैं कैमरा कर देता हूँ और मेन स्टैंड से उतारता हूँ। जैसे ही मेन स्टैंड से बाइक को उतारा इसका गैप देखो ब्रेक का कितना आ गया। अब इतने में कोई तो चलाएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप कम हो चुका है, दो ही उंगली अभी जा रही है इसमें, और मेन स्टैंड लगाने के बाद ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब गैपिंग आ जाती है। चलो मेन स्टैंड लगा के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम मेन स्टैंड लगाते हैं और देखना ब्रेक का जो लीवर है वो आगे चढ़ता चला जाएगा, मतलब इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो चलो मैं इसको ब्रेक, ये देखो मैंने मेन स्टैंड लगाया, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले आ चुकी है। अभी इसमें प्ले क्यों आ रही, चलो ये चीज़ चेक कर लेते हैं। तो अभी देखो इसमें जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, इसकी जो पिन है, पिन में प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिन जो है इसकी बैंड हो चुकी है, जो मेन स्टैंड और ब्रेक को साथ में एक पिन लगती है, ये वाले में गैप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पिन लगी हुई है ये पिन बैंड हो चुकी है, बैंड होने की वजह से ब्रेक अंदर बाहर कर रही मेन स्टैंड लगाने पर। तो इसे चेक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें आखिर प्रॉब्लम है क्या। जैसे ही हम इसे मेन स्टैंड से उतार देते हैं ब्रेक बिल्कुल करीब में आ जाती है, बिल्कुल करीब। देखो मेन स्टैंड से उतार दिया, अभी देखो ये देखो जो पिन लगी हुई है, पिन देखो इस साइड का गैप खत्म हुआ, इस साइड का गैप आ गया। अभी ब्रेक भी बिल्कुल पास में चली गई, ये देखो ब्रेक, तो इसी की प्रॉब्लम है। तो चलो इसके लिए हमको जो है इसका साइलेंसर और जो पिन वगैरह बाहर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर पिन में क्या प्रॉब्लम है। है तो प्रॉब्लम पिन में ही, जो मेन स्टैंड की पिन होती है उसी में प्रॉब्लम है। तो इसका जो साइलेंसर है, साइलेंसर हमें खोलना पड़ेगा, तो साइलेंसर खोल लेते हैं और फिर उसके बाद उधर जाके इसकी जो पिन वगैरह स्प्रिंग वगैरह वो सारा निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी पिन को निकाल के बाहर दिखाते हैं। अभी मैंने इसका सिर्फ साइलेंसर खोला है, बाकी सारा कुछ लगा वो मैं बाद में निकालूंगा। अभी इसमें देखता हूँ मैं साइलेंसर खोल के शायद कुछ मिल जाए। तो अभी ब्रेक तो बहुत करीब है और इसको हिलाने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है, तो इस गैप को कम करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, निकालता हूँ बाहर पिन को फिर ही समझ में आएगा सारा कुछ कि इसमें है क्या। अभी मैंने उस साइड में देखो स्प्रिंग निकाल दी है, जो क्वार्टर पिन लगी होती वो भी निकाल दी है। अब मैं इसे बाहर खींच लेता हूँ, पकड़ के जो पिन है पिन को बाहर खींच के निकालते हैं और देखते हैं कि इसी में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई अभी तक मेरे, तो ये पिन बैंड हो रखी है। अभी समझ में आ गया, सारा कुछ समझ में आ गया है कि पिन जो है वो बैंड हो रखी है। तो चलो कोशिश करते हैं पिन को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा खींच के निकालेंगे, क्योंकि पिन बैंड है। बैंड होने की वजह से क्या हुआ है कि ब्रेक वाली जो लीवर है उसमें फंस गई है, अब वो पिन बाहर नहीं निकालते। यहाँ से स्प्रिंग को निकाल देते हैं, ब्रेक स्विच वाली, इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा यार बहुत टाइम लगने लगता है ये सब करने में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे बैंड करते हैं और इस साइड से इसकी पिन को पंच करते हैं, निकालते हैं पिन को बाहर। देखो बैंड होने की वजह से पिन इतनी ज़्यादा जाम निकल रही है। और चलो पिन को अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पिन, पहले देखो पिन की हालत, देखो लाइट में लाते हैं। अब देखो ये पिन यहाँ से बैंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि जब भी हम मेन स्टैंड लगाते हैं तो ब्रेक आगे पीछे होने लगती है, क्योंकि साथ में ये पिन भी घूम जाती है, ये पिन भी घूम जाती है। जैसे ही हमारी मेन स्टैंड हम लगाते हैं तो ब्रेक आगे चली जाती है, जैसे ही मेन स्टैंड को निकालते हैं ब्रेक पीछे चली जाती है, साथ में ये पिन भी घूम जाती है, घूमने की वजह से ब्रेक पास में आ जाती है। जो इसकी पिन चेंज करने वाले हैं, पिन चेंज करेंगे और बताएंगे कैसे चेंज करना है। ये नई पिन है, देखो ये नई पिन हीरो होंडा की है,
स्प्लेंडर, पैशन, सीडी डिलक्स, ये सारे में जो मेन स्टैंड स्प्रिंग है वो एक ही लगती है ओल्ड वाली जितनी भी बाइकें हैं। अभी नई वाली का तो मुझे नहीं पता, ओल्ड वाली का सारा कुछ पता है कि यही पिन लगती है ओल्ड वाली बाइकों में हीरो की, तो ये पिन को लगाते हैं। पुरानी वाली जो पिन है बैंड होने की वजह से ब्रेक में प्रॉब्लम कर रही थी, अभी इस पिन को लगाना कैसे वो समझ लो और जान लो। देखो हमने साइलेंसर पहले खोला था, मेन स्टैंड भी साथ में निकल जाता है जैसे ये पिन को हम निकालते हैं, तो इस पिन में पहले ग्रीस लगा लेंगे। ग्रीस लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो पिन है जाम नहीं होती है, और बिना ग्रीस के लगाएंगे तो फिर पिन जाम होने लगेगी, पानी वगैरह पड़ेगा तो जाम और ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेक ही जाम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे इसे फंसाते हैं, पिन इसी साइड से पड़ेगी, यहाँ पे लगाना है। अब मेन स्टैंड को पकड़ के इसका होल मैच कराना है, होल मैच कराना है, बिल्कुल आराम से पिन बैठ जाएगी। ये मैंने होल मैच कराया और ये हमारी पिन बैठ चुकी है, बैठ गई। यहाँ पे काम जो है पिन का कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसकी जो ये वाली स्प्रिंग थी ये भी लगा देते हैं। ये पीछे की ब्रेक स्विच की स्प्रिंग होती है, जो ब्रेक दबाने पे पीछे की बैक लाइट जलती है वो इसी से जलती है, इसे हम इस स्प्रिंग को लगा दिए। अब चलो जो है इसकी ब्रेक देखो, गैप जो है अभी ज़्यादा है गैप, इसकी उस साइड में चलते हैं। जो पिन, इसकी जो पिन क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर पिन थी, क्वार्टर पिन लगाना है, क्वार्टर पिन लगाना है। मेन स्टैंड की स्प्रिंग जो है वो भी लगाना है, तो इस साइड में ये है क्वार्टर पिन जो यहाँ पे लगेगी। ये जो पिन है पिन में होल रहते हैं चार, ये क्वार्टर पिन को लगाना ज़रूरी है। और इसकी जो ये स्प्रिंग, तो दोनों चीज़ लगा लेते हैं, चलो पहले लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो स्प्रिंग भी लगा दी है, क्वार्टर पिन भी लगा दी है, तो मेन स्टैंड का काम भी कम्प्लीट हो चुका है। अभी इसको दबा के देखते हैं ब्रेक आगे पीछे तो नहीं कर रही है। ये देखो मैं दबा रहा हूँ तो ब्रेक जो है आगे पीछे नॉर्मली बिल्कुल है। ये देखो स्टैंड नीचे ऊपर हो रहा है, ब्रेक आगे पीछे बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, उससे कोई इतना रहता ही है। बाकी अब जो है इसकी मेन स्टैंड लगा के देख लेते हैं। अभी जो चार गैप है देखो, चार उंगली मेरी जाने लगी। पहले क्या था, स्टैंड जैसे ही हटाते थे तो दो ही गैप बचते थे, अभी मेन स्टैंड लगा दिया है बाइक में। अब देखो इसका गैप उतना ही है जितना साइड स्टैंड पर था, तो चार है, जितना रहना चाहिए उतना है। बाकी इसका साइलेंसर अब फिटिंग करना है, इसका साइलेंसर फिटिंग करके कस्टमर को दे देना है। ब्रेक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, अगर और गैप चाहिए तो इसको क्या करना, इतने पे वेल्डिंग करवा देना, गैप और ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये फुटरेस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, इस वजह से गैप और कम बता रहा है। अगर हम इस फुटरेस में वेल्डिंग करा देंगे तो अच्छा खासा गैप आ जाएगा। बाकी इसका साइलेंसर लगाते हैं। ये पिन है जो हमने चेंज किया था, ये पिन चेंज हमने कर दिया, जो प्रॉब्लम थी ब्रेक की वो प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व, ब्रेक वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो मेन स्टैंड पे लगाते थे ब्रेक का जो गैप है ज़्यादा हो जाता था, साइड स्टैंड पे निकालते थे जैसे साइड स्टैंड पे लगाते थे ब्रेक का गैप बहुत कम हो जाता था। तो बाकी इसको वेल्डिंग करा दोगे तो गैप और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम करवा देंगे, गैप और ज़्यादा कर देंगे, अभी कम है। बाकी चलो दे देते हैं कस्टमर को फिटिंग करके, ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।